हेलो एंड वेलकम टू एस एस स्टूडियो वन सेकंड फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो ले हुई है स्क्रीन रिकॉर्डर रिलेटेड, मतलब हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल स्क्रीन रिकॉर्डर और कौन सी स्क्रीन रिकॉर्डर से आप अच्छे से वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं। अगर आप नए यूट्यूबर, मैं हर वक्त वो बोलते आ रहा हूँ कि मेरा जो चैनल मैंने बनाया वो नए यूट्यूबर के लिए हेल्प करने के लिए, तो जितने सारे नए यूट्यूबर सब मेरे चैनल में आओ या देखो, आप लोग कैसे मतलब वीडियो एडिटिंग करोगे स्क्रीन रिकॉर्डर से, कैसे उसको यूज़ करते, बहुत लोगों को पता नहीं है, क्योंकि जो लोग दोज हुआ इन इनिशियल स्टेज दे डोंट नो हाउ टू यूज़ स्क्रीन रिकॉर्डर। ओके, अगर आप कोई भी पीडीएफ फाइल बना रहे हैं उसको वीडियो फॉर्मेट में कैसे, नोटपैड से या वर्ड में कोई भी पीडीएफ फाइल आप बना रहे हैं उसको वीडियो करके कैसे आप अपलोड करेंगे, अगर कोई न्यूज चैनल बना रहा है उसको अगर आप वीडियो फॉर्मेट में अपलोड करेंगे, मतलब आप वीडियो एडिटिंग करने में, तो बिल्कुल आपको डिटो यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल मिलेगा। मैं आज का जो वीडियो है उसमें आपको दिखाऊंगा भी और सिखाऊंगा भी, तो कौन सी स्क्रीन रिकॉर्डर सबसे बेहतर है। बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डर अवेलेबल है, आपको स्क्रीन रिकॉर्डर रिलेटेड बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आज ये वीडियो यहाँ पे आपको मैं ट्यूटोरियल डिटो बताऊंगा और कौन से स्क्रीन रिकॉर्डर आपके लिए सबसे अच्छा होगा, ठीक है, उसका ही ट्यूटोरियल मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा आप ये वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि अगर एंड तक देखें तभी आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे सारे जितने ट्यूटोरियल अवेलेबल है मेरे डिस्क्रिप्शन में, मैं आपके लिए लिंक छोड़ दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो ज़्यादा यहाँ पे टाइम नहीं यूज करूंगा फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। आपको सिंपली अपना पीसी ओपन करना, पीसी ओपन करके आपको इंटरनेट ऑन करके आपको गूगल क्रोम ऑन करना, गूगल क्रोम में जाके आपको वहाँ पे सिंपली टाइप करना है, मैं जो करते जा रहा हूँ स्क्रीन पे देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर टाइप कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको वहाँ पे भी स्क्रीन रिकॉर्डर टाइप करना है, टाइप करके यहाँ पे देखो आपके सामने बहुत सारे लिंक खुल जाएगा। तो सबसे बेस्ट जो मतलब स्क्रीन रिकॉर्डर है ये जो मैं एरो करके बैंडीकैम, ये बैंडीकैम में आपको क्लिक करनी, ये सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है, ठीक है, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, ठीक। बंदीकैम में जैसे मैं क्लिक किया, यहाँ पे बंदीकैम का मेन वेबसाइट ओपन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा है आपका फ्री डाउनलोड, जैसे मैं फ्री डाउनलोड में क्लिक किया यहाँ पे आपका एक पेज खुल गया, देखो यहाँ पे शो हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब विंडोज़ एक्सपी, विस्ता, विंडोज 7, 10, 8 सबके लिए अवेलेबल है, और आपका 32-bit या 64-bit विंडोज़ में भी अवेलेबल है, ये भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आप देख सकते हो स्क्रीन में, मैं यहाँ पे हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब नीचे देखो यहाँ पे डाउनलोड बैंडीकैम, डाउनलोड बैंडीकैम में जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपका पीसी में सिंपली डाउनलोड हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे आपका डाउनलोडिंग चल रहा है बैंडीकैम जो सॉफ्टवेयर है मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, ठीक है। तो ये डाउनलोड कहाँ होगा, आपका पीसी का जो मेन डाउनलोड ऑप्शन है वहाँ पे जाना होगा, जाके आपको सिंपली डबल क्लिक करना होगा, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे आपका डाउनलोड कर, अब ये इसको इंस्टॉल करना है सिंपली आपका पीसी में, जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो आपके पीसी में, सिंपली आपको यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करके जाना है, आई एग्री करना है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे इंस्टॉल में क्लिक करना है, ठीक है। आपके सामने मैं करके दिखा रहा हूँ, आप सिंपली अभी यहाँ से आपका बैंडीकैम जो सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, वो देख सकते हो आप, आपका पीसी में बैंडीकैम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। ये आपका इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड है, अभी आपको पीसी में इंस्टॉल हो गया है, आप देख सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आप अच्छे से मतलब बैंडीकैम जो सॉफ्टवेयर है आप अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, और अच्छे से मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग के समय अच्छे, अभी आपको फिनिश में क्लिक करना है, फिनिश में मैंने क्लिक किया, ठीक है, एडिटिंग कर सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं फिनिश में क्लिक किया, आपके पीसी में बैंडीकैम जो सॉफ्टवेयर है उसका मेन वर्जन ओपन हो गया, अभी इसको सिंपली यस करना है, ठीक है, आप देख रहे हो आपके पीसी में बैंडीकैम सॉफ्टवेयर स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपली जनरल में जाना है, जनरल में जाके मैं देखो जनरल में क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करके आपके पीसी में मतलब यहाँ पे एक शो हो रहा है, मतलब ये जो वीडियो होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बाद उसके बाद ये वीडियो कहाँ सेव होगा, तो यहाँ पे देखो ये दिख रहा है आपको जिस डॉक्यूमेंट्स, मतलब यहाँ पे आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो सेव होगा, ये इसको सिंपली आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हाँ आप देख सकते हो, अभी मुझे वीडियो में जाना है, मैं वीडियो में क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, वीडियो में क्लिक करके देखो यहाँ पे रिकॉर्ड एंड स्टॉप हॉट की, मतलब रिकॉर्डिंग और स्टॉप के लिए आपको F12 प्रेस करना है, तो ये इसको सिंपली आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि जब आप करोगे तब आपको ये करना है, ठीक है, पॉज के लिए आपको Shift+F12, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये चेंज भी कर सकते हो बाद में, ठीक है, हाँ आपको मैं दिखा रहा हूँ पॉज है नॉट हॉटकी के लिए F12, ठीक है। और यहाँ पे देखो शो माउस कर्सर, मतलब आप जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करोगे
तो यहाँ पे माउस कर्सर शो होगा, और यहाँ पे और एक ऑप्शन देखो ऐड माउस क्लिक इफेक्ट, मतलब आप जब माउस से क्लिक करोगे ठीक है उस वो शो होगा। तो ये दोनों आपको राइट ऑन राइट क्लिक करके रखना है हमेशा, ठीक है। हाँ अब देख सकते हो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे सेटिंग्स में मैंने गया, सेटिंग्स में जाके यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो सेटिंग्स में जाके आपको सिंपली माउस में आना है, माउस में क्लिक करना है, मैं माउस में क्लिक करके अब नीचे आना है। देखो यहाँ पे लिखा है प्ले माउस क्लिक साउंड वाइल रिकॉर्डिंग, मतलब जब माउस रिकॉर्डिंग हो तो माउस क्लिक का साउंड आपको ऑन रखना है। यहाँ पे लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक दोनों को आपको ऑन रखना है, मतलब मैं राइट सिलेक्ट किया, ठीक है, राइट क्लिक करके देखो मैं ऑन करके रखा, ठीक है। तभी यहाँ पे बहुत सारे फीचर भी है और भी बहुत सारे ऑप्शन आप क्लिक करके देख सकते हो। तो मैं जो बताने की कोशिश कर, जो आपका मेन आपके लिए आपको चाहिए होता है ठीक है, वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो अगर जो मतलब कोई भी मतलब इनिशियली स्टेज में अगर आप कोई भी मतलब वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अभी इसको सिंपली ओके करके यहाँ से निकल जाना है, ठीक है। अभी हाँ इमेज पे आपको जाना है, इमेज पे जाके देखो यहाँ पे हॉट की में F11 ऊपर देखो, हाँ हॉट की F11 शो हो रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर आप कोई भी स्क्रीनशॉट ले लेना चाहते हो तो हॉट की F11 प्रेस करना पड़ेगा आपको, मतलब ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ये बैंडिकैम सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद। अभी देखो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर, देखो यहाँ पे फुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए आ गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ से फुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने जैसे रिकॉर्डिंग ऑन स्टार्ट किया, देखो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन स्टार्ट किया, यहाँ पे नाउ दिखाएगा अभी, हाँ देखो दिखा रहा है नाउ रिकॉर्डिंग फुल स्क्रीन, मतलब मेरा फुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो मैं ये उसको स्टॉप भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही आप फुल स्क्रीन अगर रिकॉर्डिंग करना चाहते हो आप यहाँ से बैंडिकैम सॉफ्टवेयर के माध्यम से रिकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं डाउन एरो में किया और मतलब बैंडिकैम सॉफ्टवेयर ओपन किया, ओपन करने के बाद मुझे अगर आप फुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहते हो तो मैं एक PDF फाइल आपको मतलब PDF फॉर्मेट में आप कैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करोगे उसको भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स में जाके कोई भी एक PDF फाइल मैं सिलेक्ट ओपन किया, अभी इसको कैसे आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं जैसे मैं क्लिक किया यहाँ पे सिलेक्ट रिकॉर्डिंग यहाँ पे क्लिक किया, और जो जितना मुझे सिलेक्ट मतलब रिकॉर्डिंग करना है मतलब लेफ्ट एरो को प्रेस एंड होल्ड करके यहाँ से मुझे सेट करना है, सेट कर लेफ्ट क्लिक प्रेस एंड होल्ड करके पूरा ड्रैग करना है। जैसे मैं किया करते जा रहा हूँ आपको सिंपली डिटो वैसे ही फॉलो करना है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ब्लू कलर का एक बॉक्स आ गया है, बिल्कुल मतलब यही इसमें ही आपका रिकॉर्डिंग हुआ है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ जो बॉक्स आया है, ठीक है। अभी मैं इसको देखो इसमें जैसे मैं क्लिक किया अभी ये रेड बॉक्स का कलर चेंज होकर रेड हो गया, मतलब यही सिंपली इस बॉक्स में ही आपका रिकॉर्ड जितना होगा रिकॉर्डिंग इसमें ही होगा, ठीक है। अब देख सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। अभी यहाँ पे बहुत से टूल्स है फीचर्स है, मैं बहुत सारे टूल्स और फीचर्स आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर है मार्केट में स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, लेकिन बैंडिकैम जो सॉफ्टवेयर है यही सबसे मतलब बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सारे अच्छे भी। देखो यहाँ पे रेड ब्लू मतलब येलो बहुत सारे मतलब पेन का ऑप्शन भी मिल रहा है, ठीक है। अभी इसको आप सिंपली इरेज भी कर सकते हो, बॉक्स कर सकते हो, एरो दे सकते हो ट्यूटोरियल के लिए, ठीक है। अब बहुत कुछ कर सकते हो मतलब स्क्रीन बैंडिकैम जो सॉफ्टवेयर है, अभी इसको नंबरिंग कर रहा हूँ मैं 1, 2, 3 करके, ठीक है। अब तो इस बैंडिकैम जो सॉफ्टवेयर है फ्रेंड इससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो मतलब अगर आप कोई भी न्यूज़ चैनल बना रहे हो, अगर कोई भी आप PDF फॉर्मेट बना रहे हो, ठीक है, उसको सिंपली नोटपैड या वर्ड में से पेस्ट करके आप यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखो बहुत सारे फीचर्स है क्योंकि मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, लेकिन बैंडिकैम जो सॉफ्टवेयर यही बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे पेन का ऑप्शन मिलेगा, बहुत सारे कलरिंग फीचर्स मिलेगा, बहुत सारे ट्यूटोरियल के लिए आप एरो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर बहुत कुछ इस सॉफ्टवेयर से कर सकते हो। देख सकते हो स्क्रीन में मैं क्या कर रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, आपको सिंपली डिटो ऐसा ही करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मुझे एक बार हाँ बैंडिकैम सॉफ्टवेयर में जाना है। अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे ये PDF फॉर्मेट में जो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बनाया उसको कहाँ सेव्ड हुआ। देखो यहाँ पे बैंडिकैम में गया मैं, बैंडिकैम देखो एक लाइव दिखा रहा हूँ आपको एकदम, देखो अच्छे से ये बैंडिकैम सॉफ्टवेयर मतलब PDF फॉर्मेट का वीडियो आ गया है, ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गया है।
इसी मतलब इस तरफ से आप मतलब कोई भी पीडीएफ फॉर्मेट में अगर कोई भी न्यूज़ बना रहे हो, कोई भी कुछ बना, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स फाइल आप अपलोड कर रहे हो, एक वीडियो यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर रहे हो, तो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप वीडियो उसको मतलब पहले नोटपैड से या विंडो मतलब वर्ड में सेव करके कुछ भी आपका डॉक्यूमेंट्स हो, कुछ आर्टिकल के आप मतलब बोलना चाहते हो, तो ये बंदीकैम सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप मतलब उसको पहले आपको नोटपैड पर पेस्ट करना है या वर्ड में पेस्ट करना, उसके बाद इसकी बंदीकैम सॉफ्टवेयर से आप उसको डिज़ाइन कर सकते हो, अच्छे से डिज़ाइन करके आप यूट्यूब में अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही आप अच्छे से एडिटिंग कर सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। अगर आप यूनिशियल स्टेज में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो ये बंदीकैम सॉफ्टवेयर आपके लिए बेस्ट है। अगर मेरा चैनल न्यू चैनल है, मतलब न्यू यूट्यूबर के लिए मैंने ये चैनल बनाया, ये चैनल बनाया, ठीक है, तो आपको आपके हेल्प के लिए मैंने हमेशा कोशिश किया बहुत सारे अच्छे से ट्यूटोरियल देने की। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है इस बंदीकैम सॉफ्टवेयर को मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने में, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है आपका, कोई समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मैंने बहुत जगह स्किप किया है, वो साइड में आपको बताने के आपको हेल्प होगा, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आपको तुरंत गाइड करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज का जो वीडियो मैंने बनाया फ्रेंड, ये पे मैंने आपको बताने की कोशिश किया कैसे आप स्क्रीन रिकॉर्ड यूज़ करो, कैसे आप स्क्रीन रिकॉर्डर से वीडियो एडिटिंग करोगे। अगर आप कोई भी पीडीएफ फाइल बना रहे हो, अगर आप कोई भी न्यूज़ चैनल बना रहे हो, न्यूज़ चैनल के लिए अगर कोई भी टेक्स्ट आपको मतलब नोट पैड या वर्ड में सेव करके डिज़ाइन करके उसको पीडीएफ फॉर्मेट पर अपलोड कर कैसे आप करोगे, मतलब कोई भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से, फिल्मोरा हो या काइन मास्टर हो, सबसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए इलाबोरेटली आपको डिटेल्स मैंने बताया। तो आज की इस वीडियो में अगर हमारे इस चैनल से आपको कुछ भी हेल्प, अगर कुछ भी आपने सीखा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दिया कि जो लोगों को पता नहीं, दोज़ हू आर इनिशियल्स, दे डोंट नो हाउ टू यूज़ स्क्रीन रिकॉर्डर एंड हाउ टू अपलोड इन ए वीडियो फॉर्मेट, तो ओके सबके पास ये वीडियो पहुँचा दीजिए, तो उनका भी हेल्प हो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, और हमारे सारे फिल्म एडिटर वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल जो मतलब आप अगर इनिशियल स्टेज में हो, आपको वीडियो एडिटिंग पता नहीं है, चैनल में मिल जाएगा, सब देख सकते हो यार, सीख से बहुत सारे लोग सीख, आप भी सीखो या लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो ठीक है, थोड़ा आप भी देखो, मैं भी ट्यूटोरियल आपको दे ही रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय फ्रेंड्स।